इस वक्त जुड़ रहे हैं आपसे क्योंकि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड, आप सभी को पता है, टेस्ट मैच फॉलो कर रहे थे, लेकिन सबकी नजर ये थी टेस्ट मैच खत्म होने के बाद कि ओली रॉबिन्सन, जिस पर ये जो था कि एक इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी गई थी, उनके जो कुछ ट्वीट्स थे जिसमें रेसिज्म थी और तमाम तरीके के मुद्दे थे, और अब बड़ी खबर ये आई है कि ईसीबी ने ओली रॉबिन्सन को, जिनका डेब्यू हुआ था, और ड्रीम डेब्यू से कहना गलत नहीं होगा क्योंकि मैच में 7 विकेटें 42 रन, अगर आप स्टार परफॉर्मर्स देखें तो रॉरी बंस के अलावा एक नाम जो निकल कर आएगा वो ओली रॉबिन्सन थे, और उनको रोहित, जैसे कि अभी भी खबर आई है, ईसीबी की स्टेटमेंट जारी की गई है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से सस्पेंड कर दिए गए हैं, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि भाई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड है जो सख्त कदम लेता है, उनके कुछ जो नियम कानून है वो खिलाड़ी भी नहीं देखते, स्ट्रेचर नहीं देखते, हमने इन पास भी देखा, चाहे बेन स्टोक्स हो, केविन पीटरसन हो, जॉफ्रा आर्चर हो, अलग अलग मुद्दों के लिए अगर उनके कोई नियम है, उनमें कुछ चीज हुई है, तो उन्होंने सख्त कार्रवाई की है। और यहां पर एक बार फिर से ओली रॉबिन्सन, जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस करी, गेंद से बल्ले से भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, एक स्टार परफॉर्मर रहे, लेकिन अब ड्रीम डेब्यू रहा, डेब्यू से शुरुआत हुई, लेकिन अब सस्पेंड कर दिए गए हैं ईसीबी की तरफ से, इंटरनेशनल क्रिकेट से सस्पेंशन है। देखना होगा काउंटी क्रिकेट, उसमें जो ससेक्स है, ससेक्स की काउंटी, वो क्या कदम लेती है, इस पर कोई अपडेट आएगी, डेवलपमेंट आएगी तो लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे हम। फिलहाल बड़ी खबर ये थी जिसके लिए हम आपसे जुड़े थे इस वक्त। इजाजत दीजिए, शेयर कीजिए।